नमस्कार, मैं प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के तारीखों की घोषणा के बाद पाली नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद पाली में कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर गई है। पाली के 15 वार्डों में कांग्रेस पार्टी डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार कर रही है। कांग्रेस नेता बबलू खंडेलवाल पाली के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मीडिया के सामने आकर बताया कि पाली नगर पालिका का आज जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है वो हमारे पाली नगर का विकास पिछले कई वर्षों से नगर में नहीं हुआ है। नगर पालिका परिषद पाली में भाजपा के अध्यक्ष बैठी थी लेकिन कोई विकास नहीं किया गया। मैं स्वयं पहली बार पाली के वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हूँ। कांग्रेस पाली के पूरे 15 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद जीत रहे हैं। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ नगर में सरकार बनाएगी। आज पाली नगर में सबसे बड़ा मुद्दा सगरा तालाब का है जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। जबकि बात करें नल जल योजना की तो 10 वर्ष होने जा रहे हैं, अभी तक नल जल योजना चालू नहीं हो पाई है। पाली में बच्चों के लिए गार्डन, सामुदायिक भवन, प्रधानमंत्री आवास से लेकर गरीबों के राशन कार्ड, स्वास्थ्य सुविधा, जिसके लिए आज पाली की जनता को दर दर भटकना पड़ रहा है। जिस तरह से पाली की अस्मिता और अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, कांग्रेस उसे बचाने के लिए मैदान में है। कांग्रेस नेता बबलू खंडेलवाल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस पूरे 15 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत के साथ पाली नगर पालिका की नगर सरकार में कांग्रेस का अध्यक्ष बैठाने का दावा कर रही है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव में आप जनसंपर्क में चले हैं, डोर टू डोर प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या कुछ घोषणाएं हैं, क्या कुछ आप लोग के चुनावी मुद्दे हैं? सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हमारा जो है वो नगर का विकास है। पिछले कई सालों से भाजपा की नगर में परिषद है और चूंकि पाली नगर का मैं पुश्तैनी निवासी हूँ और प्रथम बार मैं किसी चुनाव में खुद भी उतरा हूँ। वार्ड नंबर 8 से मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। वार्ड नंबर 8 ही नहीं, पूरे पाली के 15 वार्डों में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी परिषद पूर्ण बहुमत से आए। और इस पाली नगर का जो विकास रुका हुआ है, आप पत्रकार हैं, आप हर नज़रिए से आए दिन परिषद की कमियाँ देते रहते हैं। पाली के सगरा तालाब का मुद्दा उसमें सबसे बड़ा है। पाली की साफ़ सफाई का मुद्दा उसमें सबसे बड़ा है। पाली की जो नल जल योजनाएं पिछले 10 साल से चालू नहीं हो पा रही हैं वो सबसे बड़ा है। पाली में जो बच्चों के लिए गार्डन बनना चाहिए वो सबसे बड़ा मुद्दा है। पाली में जो सामुदायिक भवन बनना चाहिए वो सबसे बड़ा मुद्दा है। एवं जो अन्य सुविधाएं प्रधानमंत्री आवास से लेके गरीबों के राशन कार्ड से लेके जो नल के लिए और छोटे छोटे कामों के लिए आदमियों को भटकना पड़ रहा है, इसलिए हमने इस बार निर्णय लिया कि मैं स्वयं भी एक पार्षद प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 8 से उतरा हूँ। और हम ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो पाली की अस्मिता और जिस तरह से यहाँ पर अस्तित्व पाली के खतरा मंडरा रहा है और हमारे वहाँ बिरासनी का नगर पाली, चाहे जवारा जुलूस हो यहाँ का और जो बाहर से आने वाले दर्शनार्थी हों, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए और जो जो सुविधाएं नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर प्रदत्त की जानी चाहिए और जो नहीं हो पा रहा काम, इस विकास के नज़रिए को देखते हुए हम इस बार पाली नगर पंचायत में पूर्ण बहुमत से परिषद बनाने के लिए, कांग्रेस की परिषद बनाने के लिए जनता से अपील करने के लिए उतरे हुए। कितने सीटों पर जो है कि कांग्रेस इस बार जीत कर आएगी? देखिए, हम तो 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी जो जनता जनार्दन है जो इस कुशासन को देख रही है, निर्णय करने वाली वो है, वो जो निर्णय देगी हमें स्वीकार है। और जनता का रुख देखते हुए हमें पूरी तरह एहसास है कि पूर्ण बहुमत से इस बार पाली नगर परिषद में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपस में देखा ना, राजगी भी, कुछ लोग बगावती भी के सुर भी हैं आपके पार्टी में, क्या कहना है? नहीं, बगावती सुर की जहां तक बात है ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम दूसरे दलों की ये देख रहे हैं कि जो पिछले दो दलों में लगातार पार्षद रहे हैं उसमें 9-9, 10-10 पार्षदों के टिकट काटे गए हैं। तो हम पूछना ये चाहेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को अपने 10-10 पार्षदों की टिकट काटनी पड़ी है? ये वही पाली नगर है जिस पाली नगर में शौचालय न होने के कारण एक प्रत्याशी का फार्म तक रिजेक्ट हो गया है। ये सच्चाई बयां करती है कि एक तरफ इस पाली नगर को पूर्णतः शौचालय युक्त बताया गया है और इसी पाली नगर में एक प्रत्याशी का फार्म शौचालय न होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है।